बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया फाइनली हम एक दिन बाद में जो है उसको प्री रजिस्टर करेंगे। मतलब इंडियन गेम है, सिर्फ इंडियन के लिए आ रहा है, तो यार इतनी खुशी तो बनती है। लेकिन क्या गेम खेलने से पहले आपको पता है कि उसके अंदर क्या नए फीचर आएंगे? नहीं पता? हम आपको जो है डिटेल में बताने वाले हैं कि उस गेम के अंदर जो है क्या क्या न्यू फीचर होंगे। पबजी मोबाइल से कंपेरिजन के अंदर करते हैं, मतलब अगर पबजी मोबाइल ग्लोबल से कंपेयर करते हैं तो वहां पे क्या फर्क आएगा और क्या न्यू फीचर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अभी ग्लोबल वर्जन खेलते हो ना छुप छुप के, या फिर जो है कोई कोरियन वर्जन खेलते हो, या फिर कोई भी वर्जन खेलते हो, आपने उसके अंदर फेसबुक से लॉग इन कर रखा है, तो वही आईडी आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर आपको जो है मिल जाएगी। इसका मतलब है कि आपने जो भी कोई क्लॉथ यूज किए हैं, या फिर जो है कोई यूसी वगैरह परचेस की हुई है, या फिर आपके पास रॉयल पास है, मतलब सभी आपके जो है न्यू अकाउंट के अंदर जो है शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि होगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। और हाँ, लेकिन वो लेवल वन से स्टार्ट होगा, एक नया गेम है, नए गेम की ट्रीट करना। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे नहीं मुझे सीजन 18 पे जाना है, नहीं, आपको मिलेगा सीजन 1 बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर, नो डाउट। मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। आप हो सकता है कि मतलब स्टार्टिंग में लगे कि यार मतलब मजा नहीं आ रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा थोड़े थोड़े धीरे धीरे बाद में। लेकिन अगर सेकंड बात करते हैं तो वो है क्लोथ्स के बारे में। सबसे पहले अगर आप जैसे कि लेवल वन पर होते, मतलब सीजन वन के अंदर पहले प्ले किया होगा आपने, तो मतलब बिना कपड़ों के हम खेल पाते थे। लेकिन अभी जो है क्लोथ्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे और इंडियन की तरह कस्टमाइज क्लोथ होंगे, मतलब जो है जो इंडिया में क्लोथ्स यूज होते हैं उस तरीके से जो है उसके अंदर कस्टमाइज किए जाएंगे इंडियंस गेम में, मतलब जो है एक अच्छे ऑप्शन आपको जो है देखने को मिलेंगे। और हाँ, लेकिन अगर थर्ड की बात करते हैं तो वो है कलर्स, मतलब जो ब्लड का जो कलर होता था ना वो होता था रेड कलर ग्लोबल के अंदर। लेकिन अगर कोरियन की बात करते हैं तो वहां पे जो है ब्लू कलर हाइलाइट करते थे, क्योंकि जो कोरियन वाला गेम था ना पबजी वाला कोरियन वर्जन, उसके अंदर जो है ब्लू कलर हाईलाइट होता था। लेकिन इंडिया के अंदर जो है कौन सा कलर हाईलाइट होगा वो तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि रेड कलर हाईलाइट नहीं होगा ब्लड के साथ में। आप किसी को मार रहे हो तो वहां पर जो है रेड कलर हाईलाइटेड नहीं होगा, और वो एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा होगा, मतलब आप किसी को मारोगे नहीं, आप जो है सिर्फ और सिर्फ गेम से आउट करोगे। और इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं पिंग के बारे में। जैसे ही पिंग हाई होती थी हमारा गेम जो है लैग करता था, और उसके कारण जो है हम जो है कई बार ऐसा हो जाता था कि यार मतलब हम जो है अब प्रॉपरली नहीं खेल पाएंगे, मतलब सामने वाले से जो है फाइट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें जो है काफी टाइम दिक्कत आती थी। लेकिन इस बार क्या होगा, ये बैटल जो है इंडियन के लिए है, मतलब जो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और इसका जो सर्वर होगा ना वो भी इंडिया के अंदर ही शिफ्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है, पहले होता था ग्लोबल वर्जन के अंदर जो है एशिया के अंदर जो है सर्वर शिफ्ट था, तो वहां पर जो है पिंग की थोड़ी दिक्कत आती थी, तो इस रीजन के कारण जो है हमें पिंग हाई देखने को मिलती थी। लेकिन अगर उसका जो सर्वर है वो इंडिया में होगा तो पिंग की हमें जो है दिक्कत कम देखने को मिलेगी। हो सकता है कि दिक्कत मिले, हो सकता है कि नेट की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हम यहां पर बोल सकते हैं कि इंडिया में अगर सर्वर होगा तो वहां पर आपको पिंग्स की दिक्कत जो है देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपका जो गेम है ना वो लैग नहीं होगा। और हाँ, इसके अलावा बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में। आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो आप जो है हिंदी में भी दे पाओगे, पर्टिकुलर इंडियन गेम है तो हिंदी तो बनती है। अगर जो भी है, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती प्रॉपरली, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है, लेकिन उनके लिए होगा ऑप्शन इंग्लिश, मतलब जो है दो लैंग्वेज आप जो है यूज कर पाओगे, इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अलावा जो है आपको कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी आप जो है इजीली से यूज कर पाओगे और दूसरों को जो है गाइड कर पाओगे इंस्ट्रक्शन देके। और हाँ, अंडर 18 पॉलिसी वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप अंडर 18 हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है 3 घंटे गेम को प्ले कर सकते हो, और अगर आप विदाउट परमिशन खेल रहे हो पेरेंट्स के, तो आप पेरेंट्स जो है कंप्लेन कर सकता है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को कि ये जो है विदाउट परमिशन खेल रहा है, तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है उस बच्चे की आईडी जो है ब्लॉक कर देगा। मतलब जो है यार, अगर आप पेरेंट्स के अनुमति के बिना खेल रहे हो, पेरेंट्स से नाराज हो रहे हो, तो आपके पेरेंट्स अगर आपने जो है कंप्लेन कर दी है, आईडी दे दी है, तो वो आईडी आपकी जो है ब्लॉक हो जाएगी। अंडर 18 पॉलिसी जो है ना वो बहुत ही शानदार है, और अगर आप अबव 18 हो तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसके अलावा अंडर 18 के अंदर जो है आप
आपको 7,000 रुपए से आप जो है ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो और डेली जो है 3 घंटे से ज्यादा जो है गेम को प्ले नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस बात करते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की लॉबी एंड लोडिंग स्क्रीन के बारे में, तो अब मुझे लगता है कि जो लोडिंग स्क्रीन होगी ना, जो उनका ट्रेलर आया है ना, वही लोडिंग स्क्रीन होने वाली है। एंड लॉबी की बात करते हैं तो पबजी मोबाइल जो ग्लोबल वर्जन था उसकी लॉबी जो है आपको जैसे भी देखने को मिलती है, लेकिन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की जो लॉबी होगी वो कुछ इंडियन को रिप्रेजेंट करते हुए जो है बनाई जाएगी। हो सकता है कि इंडियन का फ्लैग हो या फिर जो हो सकता है कि यहाँ पे जो है कुछ इंडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है लॉबी को चेंज किया जाए, कुछ यहाँ पर ये वाले जो है उम्मीद है। और गाइस रिलीज डेट अप्रोक्स 10th जून बताया जा रहा है कि हो सकता है कि 10 जून तक ये मैक्सिमम जो है गेम आपके फोन में होगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना आपके क्या मानना है इस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट स्ट्रीम में कमेंट करके जो है जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।